अभी साग सब्जी जे लगाबै छियै, कोन सब्जी लगाबै छियै? लगाबैके विचार छै दीदी, साग सब्जीमे कहीं बन्धा कोबी छै, पालक छै, हरी मिर्च छै। दीदी अभी बार हम बन्धा कोबी लगबै छियै। सुनीता दी अपने कोन फसल लगबै छियै? पिछला साल जे लगेने रहियै दीदी, ओ हमर बन्धा कोबी मतलब बहुत अधिक पूंजी भी लग गेलै, फसल भी हमर नहि अच्छा भेलै, ओहि कारण सरदा हम नहि लगेबै। एहनो बात छै ने दीदी, तऽ अभी बार हमहूँ नहि लगबै फसल। दीदी कौन बतक चर्चा रहे, हम रोज रहा बताबो। अभी जे सीजन छै भैया सब्जी लगबै के, वही सब के चर्चा हो रहल छै। भैया अरदा सब दीदी सब्जी आर बन्धा कोबी आर लगबै के लिए तैयार भेल रहै, लेकिन हमरा बन्धा कोबी जे नुकसान भेलै, घाटा लगलै, ओहि कारण से दीदी सब तैयार नहि हो रहल छै लगबै के लिए। दीदी बीज उपचार करिक नहि लगने रहियै की? भैया बन्धा कोबी के बीज उपचार केना होइ छै, ओ सब हम जानते नहि रहियै। तऽ बन्धा कोबी के बीज जानकी दी उपचार करै छै, चलिए वहाँ देखियै केना केना उपचार करै छै। ठीके छै भैया, जानकी दी यहाँ जानकारी लेना छै, उपचार करै के बीज केना केना होइ छै, ओहि जे से सही जानकारी लेना छै। चलो भैया। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी। कोनो विशेष बात रे भैया दीदी के लैके अयलो छियै? दीदी पिछला साल जे सुनीता दी बन्धा कोबी खेती करलकै, से ओकरामे सुनीता दीके भारी नुकसान भेलै, एहि लिए जे छै ने सुनीता दी लगबैके लिए तैयार नहि छै, से दोसरो दीदी लगबैके लिए तैयार नहि छै। दीदी सुनीता दी छै ने पिछला साल बन्धा कोबी खेती करलकै, से नुकसान हो गेलै, से अपने बीज केना उपचार करिके लगाबै छियै सुनीतो दीके बताए लिए। बढ़िया समय पर अयलो छी भैया, बन्धा कोबी के बीज उपचार करबै, बताए देबै। ठीक छै दीदी, सुनीता दी के बीज के उपचार के बारे में बताए देबै, हमरा से बिरौली ऑफिस में काम छै, हमरा से जाय छी। ठीक छै भैया, बताए देबै। चलिए दीदी बैठबै, बता दे। ठीके छै दीदी, चलो बैठिए दीदी, सामान लगाबै छी। अच्छा दीदी, हम बैठै छी। सब सामान अनलियै दीदी, एक एक कर बताबै छी। अच्छा बतबो दीदी। ई 10 ग्राम बन्धा कोबी के बीज छिकै दीदी। ई 10 ग्राम के बन्धा कोबी के बीज छियै दीदी? हाँ। ई 10 ग्राम शक्कर छियै दीदी। 10 ग्राम शक्करो छै दीदी? हाँ। ई 25 ग्राम बर्मी कम्पोस्ट खाद छियै दीदी। ई बर्मी कम्पोस्ट 25 ग्राम देल जेतै? हाँ। ई गौमूत्र छिकै 20 ml दीदी, देसी गाय के। ई 20 ml गौमूत्र छी दीदी? हाँ। देसी गाय छी ने? ई 1 ml सुसुम पानी छी, 100 ml सुसुम पानी। ई 100 ml सुसुम पानी छी दीदी? हाँ। ई बेबस्टीन छी दीदी? बेबस्टीनो छी दीदी। हाँ। ई सूती कपड़ा छी? सूती कपड़ा। हाँ। ई छी दस्ताना? दस्ताना। ई डिब्बा? डिब्बा की करबै दीदी आप बतबो। एम सब चीज दए के मिलैलो जेतै, बीज उपचार हेतै। मेरा नाम जानकी देवी, पूजा जीविका स्वयं सहायता में समूह का सचिव हूँ, अभिलाषा जीविका महिला ग्राम संगठन का सचिव हूँ, घर नपटोलिया पोस्ट अजरपुर थाना रुपोली जिला पूर्णिया का निवासी हूँ। हम अपना परिचय बता दिलिए दीदी, तो अपना परिचय दो। मेरा नाम सुनीता देवी, तारा जीविका स्वयं संघ संस्था का मैं कोषाध्यक्ष हूँ, अभिलाषा जीविका महिला ग्राम संगठन का कार्यकारी सदस्य हूँ, और घर नपटोलिया पोस्ट अरजपुर थाना रुपोली जिला पूर्णिया का निवासी हूँ।
सब सामान दीदी तो बता दे लोहा बेकर केना केना प्रक्रिया होय छै ओ हमरा बता दे। ठीक छै दीदी बता दे छी। एमे दीदी 100 ग्राम सुसुम पानी छै। 100 ml छै सुसुम पानी दीदी। हां एमे 10 ग्राम बीज छै दीदी। 10 ग्राम बीज छै दीदी। हां आबे एकरा दीदी 5 मिनट मिलाबै छी। दीदी एकरा 5 मिनट तक मिलबेल पड़ै छै। हां दीदी ई 5 मिनट तक मिलबै छी। ई किया मिलबै छी 5 मिनट तक? जे खराब बीज रहै छै ने दीदी ऊपर हो जाय छै, जे अच्छा बीज रहै छै ने बैठी जाय छै ओकरे उपचार होय छै। जे खराब बीज छै ने दीदी ओकरा छौंकी देलिए। ई दीदी 25 ग्राम वर्मी कम्पोस्ट लागै छै। ये 25 ग्राम बगरे में कंपोस्ट दीदी लगे छे ग्राम में? हां ये दीदी एकरा में वर्मी कंपोस्ट दल हो दीदी? ये कहने दल हो दीदी वर्मी कंपोस्ट? ये बीज के भोजन का काम करे छे दीदी। ओ तो अभी ये सब भोजन मिले लगे छे? हां वही सीधे ल जाय छे। ये देसी गाय के गोमूत्र दे छे दीदी? ये देसी गाय गोमूत्र कहने दे छे दीदी? जंतु नाशक करे छे और खाद के भी कम करे छे। ई खादो कम करे छे दीदी? ई जंतुओ नाशक होय छे ने? हां दीदी। एमे 10 ग्राम शक्कर लागे छे दीदी। ई शक्कर कने दे छो दीदी? शक्कर गरम होय छे दीदी आ बीज के अंकुरण आवे में अच्छा होय छे। जल्दी अंकुरण आ जाय छे दीदी ने? हाँ। शक्कर देला के बाद? हां एमे सब चीज मिले लिए ने दीदी। आब सूती कपड़ा से ढके 6 घंटा रखबे दीदी। ई कहने सूती कपड़ा झप कर रखबो 6 घंटा? ई बढ़िया से फूलते। ठीके छे दीदी कि हम 6 घंटा के बाद फेरो आबे छियो। ठीक छे दीदी आइए। जानकी दी छो घर में कि नहीं? हाँ दीदी घर में छिए। आप तो 6 घंटा दीदी भए गेल है आप तो हमरा बता दियो। आरो बैठिए ने दीदी आवे छी ला के इच्छा कहे छी दीदी पकड़िए मिला ठीक हो गेलो। इच्छा एक दल हो दीदी ना? हाँ एकरा 5 मिनट एकरा बराबर दे। ई 5 मिनट हवा में बराबर दै छियै दीदी। एकरा 5 मिनट बरबैयो लए पड़ै छै दीदी? हाँ 1 ग्राम बेबस्टिन पाउडर मिलेबै दीदी। दीदी एकरा में बेबस्टिन पाउडर किया मिलाएल जाइ छै दीदी? बेबस्टिन आइ लिए दै छियै दीदी कि फफूंदी नहि लागै छै। बेबस्टिन मिलाबै से पहिने दीदी दस्ताना पिन्ही लेबै। दीदी दस्ताना पिन्है कहने पिन्है छै दीदी? दस्ताना जहरीला होइ छै दीदी। 1 ग्राम बेबस्टिन मिलाबै छी दीदी। 1 ग्राम दीदी बेबस्टिन का मिले लिए ने? हां एकरा बन्ही के रखबै दीदी 12 घंटा छाया जगह। दीदी छायादार जगह में रखबै तो ऊ कहने रखबै दीदी छायादार जगह में? पूरा अच्छा है दीदी। अंकुरण ओकरा जल्दी चलि आबै छै? हां दीदी नमी नहि रहतै ने दीदी एमे हल्का हल्का पानी छिट्टा मारबै। दीदी नमी नहि रहलाक बाद ओकरा हल्का हल्का छिट्टा मारि पड़तै समय समय पर ने? हाँ जाइ छियै दीदी 12 घंटा छाया जगह हम धरी देबै। जा बंधा कोबी के बीज उपचार करके की लाभ होय छै दीदी? बीज उपचार करै से इएह लाभ होय छै अच्छा और खराब बीज के पता चलै छै और बीज के कोई प्रकार के बीमारी नहीं लगे। बंधा गोभी बीज के उपचारित करके सावधानी रखे पड़े छे दीदी? सावधानी रखे पड़े छे सुसुम पानी होना चाहिए ज्यादा गरम नहीं। सब सामान मिले लाग बाद दीदी मिश्रण के 6 घंटा फूले देवे। बेबस्टिन मिले लाग बाद दीदी 12 घंटा अंकुरण के लिए रखबे। किसान दीदी के कोनो संदेशो दे चाहे छी दीदी? सभी भैया दीदी से अनुरोध करे छिए कि बंधा कोबी के बीज उपचार करी के लगाइए ओकरा से लाभ उठाइए। दीदी इतना कीमती समय हमरा निकाल के बंधा कोबी बीज के उपचारित करे के सब चीज बतैल हो बहुत धन्यवाद दीदी। तोरा दीदी धन्यवाद।
कैसे आपस करबै।